मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं ये पानी वेट लॉस के लिए. और थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग कल का टॉप. आप सब लोग को अच्छा लगा शीन का टॉप जो मैंने कल पहना था. मूवी को जाते वक्त पहना था लेकिन बहुत ठंडी थी तो उस वजह से मैंने ऊपर से स्वेटर ही डाल दिया था. एक्चुअली वो स्लीवलेस टॉप था तो शीन का था. वो शीन से मंगवाया था. अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगता है. और आज मैं मेजरमेंट्स लेने वाली हूँ यानी फुल बॉडी मेजरमेंट्स लेने वाली हूँ. तो मैं किस तरीके से यानी ट्रैक करती हूँ वेट से ज़्यादा ना आप मेजरमेंट से ट्रैक करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वेस्ट लाइन कितनी कम हुई है और हिप्स कितने कम हुए हैं. ये सब आपको मेजरिंग टेप से ना जितना पता चलता है उतना वेइंग स्केल से भी नहीं पता चलता. क्योंकि कभी कभी क्या होता है वेइंग स्केल जो है वो कम दिखाता है लेकिन बॉडी पार्ट्स जो है वो बड़े बड़े ही दिखते हैं. तो आज मैं मेजरमेंट्स लेने वाली हूँ आफ्टर दिस लेमन वाटर. तो मैं किस तरीके से लेती हूँ वो दिखाऊँगी आप लोगों को. हाय एवरीवन, तो शाय अवे लिंगरी सेल जो चालू है उसके लिए मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि आप मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं. यानी अंडरगारमेंट्स जो ऑनलाइन आप परचेस करते हैं स्पेशली शाय अवे या क्लोविया के अंडरगारमेंट्स जो आप परचेस करते हैं तो उसके लिए आपको मेजरमेंट्स किस तरीके से लेने हैं वो आज मैं आपको बताऊँगी. तो सबसे पहले आपको चाहिए ये मेजरिंग टेप. देखिए इस तरीके से. तो आपको क्या करना है ये मेजरिंग टेप है ना इसको इस तरीके से लेना है. क्योंकि बहुत सारे व्यूज मेरे क्लोविया के
वीडियो के लिए ही है, तो जो कोई परचेस करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडर द चेस्ट आपको मेजर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा कितना मेजरमेंट है, यहाँ पे है मेरा 33। ओके, और यहाँ पे है 36.5। तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 का। तो आपको जब आप ब्रा लेंगे तो 33 साइज की तो ब्रा मिलती नहीं, 34 की मिलती है। तो आपको लेनी है 34C। जितना डिफरेंस है ना उतनी, यानी ए बी सी साइज रहता है। तो 3 का डिफरेंस है तो आपको लेने हैं सी, सी कप ब्रा। अगर आपके चेस्ट और यहाँ पे अंडर द चेस्ट डिफरेंस 2 का है तो आपको लेनी है 34B। अगर आपके इसमें 1 का डिफरेंस है तो आपको लेना है 34A। तो यही है मेजरमेंट लेने का तरीका, ये है। तो बहुत सारे लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है कि मैं साइज कैसे डिसाइड करूं, यानी जब आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो फॉर्म, पहले तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जो ऑनलाइन फॉर्म है ना वो फिलअप करना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको करना है, जस्ट टेक मेजरमेंट ओवर हियर एंड देन हियर, make a difference between this two sizes and according to it आपका difference अगर 3 का है तो C लेना है, 2 का है तो B लेना है, 1 का है तो A लेना है। इस तरीके से measurements आपको लेने हैं, समझ में आया। तो जो कोई मेरे Clovia के undergarments का vlog देख के join हुआ है और जिनको मेरी तरह online shopping करनी है, सबसे बेस्ट तो अभी शाय अवे का जो सेल चालू है तो वो आप चेक कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे अंडरगारमेंट्स मिल रहे हैं। और ईयर एंड सेल चालू है तो बहुत हाफ़ प्राइस में, ऑलमोस्ट हाफ़ प्राइस में आपको अंडरगारमेंट्स मिलेंगे। और कैशबैक की भी, कैशबैक यानी आप शॉपिंग भी करेंगे और आपके अकाउंट में जो है कैशबैक यानी पैसे जमा भी हो जाएंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी रहती है। कैशबैक के लिए आपको कैश करो अकाउंट पे जाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और फिर आप शॉपिंग करेंगे तो बाद में आपके अकाउंट में पैसे भी जमा होते जाएंगे। तो इस तरीके से है। तो मेजरमेंट्स किस तरीके से लेने हैं वो मैंने आज आपको बता दिया। टेक द मेजरमेंट ओवर हियर देन हियर, मेक अ डिफरेंस एंड टेक द ब्रा, प्रॉपर ब्रा फॉर योर सेल्फ। सो ये है लाइक्रा मटेरियल का शीन से परचेस किया हुआ मेरा लेगिंग्स, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो जब तक मुझे शीन का मालूम नहीं था ना, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत सारे मॉल्स जो है वो सर्च किए और वहाँ पे लेगिंग्स, प्रॉपर लेगिंग्स सर्च की, क्योंकि मैं एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो उस वजह से मुझे बहुत बार लेगिंग्स परचेस करनी पड़ती थी। और पुणे में एक चैम्पियन करके स्पोर्ट्स का शॉप है, वहाँ से मैं परचेस करती थी, वहाँ से मुझे अच्छे साइज में मिल जाते थे। लेकिन शीन के जो कॉस्ट है वो, अब लिटरली मैं बोलती हूँ, ये फैशनेबल भी है देखिए लेगिंग्स, यानी यहाँ पे स्ट्राइप्स वगैरह है। नॉर्मल लोकल शॉप में जाएंगे ना आप तो 800 से नीचे भी नहीं मिलेगी और उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, प्लेन रहेगी, प्लेन प्रिंटेड, नॉट प्रिंटेड, प्लेन। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, एक तो मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़, इसकी शाइन जो है ना वो बिल्कुल भी गई नहीं है, मैं रोज़ इसके ऊपर ही वर्कआउट करती हूँ।
और इसकी शाइन बिल्कुल वैसे की वैसी ही है। और ये देखिए इसके ऊपर ये नेट का भी डिज़ाइन है, यानी यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का नेट जो है वो दिया है। इस तरीके की लोकल शॉप में या मैंने मॉल में भी सर्च की थी, मुझे मिली नहीं, और इतने कम प्राइस में जो मिलती थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहती थी। तो बेस्ट है, बेस्ट है। तो मैंने इसी तरीके से मेजरमेंट टेप से मेजर करके वो फॉर्म भरा था और ये जो लेगिंग्स है ये परचेस की थी। तो अभी मैं करने वाली हूँ वर्कआउट। मैं रोज़ सुबह जुम्बा वर्कआउट करती हूँ, घर पे ही करती हूँ। विजया तुपुरानी करके ऑनलाइन उनके सब वीडियोस देख के मैं जुम्बा करती हूँ। 45 minutes to 1 hour मुझे लगता है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है। और मेरा हमेशा यानी 500-400 ग्राम तक रोज का रोज कम हो जाता है, यानी आफ्टर वर्कआउट वेट। लेकिन उसके बाद डाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। लेकिन अभी जैसे क्रिसमस है, कल मैंने समोसा खाया, मैं मूवी देखने गई थी तो मैंने समोसा खाया, तो इस वजह से थोड़ा डाइट का ऐसे वैसे हो गया ना, फिर कुछ भी नहीं, फिर ज़ीरो। जो वर्कआउट किया है उसका कुछ भी इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो डाइट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरा वर्कआउट जो है वो हो चुका है, और देखिए बहुत सारा स्वेट आता है मुझे। और मैं हमेशा, मैंने जैसे कि बताया कि वर्कआउट के बाद बॉडी को कवर करके रखिए ताकि आपका वेट जो है वो पुट डाउन ना हो जाए। और जैसे कि मैंने कोरसेट वगैरह पहन के रखती हूँ तो जो बॉडी जो है ना वो फूलती नहीं, तो इस वजह से पेट वगैरह छूट कम हो जाता है। ओके, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ डोसा का बैटर का प्राइमरी तैयारी जो है वो करने वाली हूँ। तो मैंने उड़ीद दाल ली है, एक कटोरी उड़ीद दाल लूँगी और 3 कटोरी राइस। तो चलो भिगोती हूँ। तो मैंने तो देखिए ये डोसा बैटर जो है ये मैंने अभी बनाने के लिए प्राइमरी तैयारी जो है वो की है, और इसका जो बैटर है वो 2 दिनों बाद तैयार होगा, अभी नहीं तैयार होगा, 2 दिनों बाद। यानी अच्छी तरीके से वो फूल जाता है, यानी अभी आज नहीं कल बना सकती हूँ मैं इसका डोसा या इडली कुछ भी। तो अभी मैं इसे ढक के रख दूँगी और अभी बनाऊँगी चाय। सो यस, मेरी चाय जो है ये बन के रेडी हो चुकी है, रीटेक है ये। मेरे जो जो व्यूअर्स में मुझे रेगुलरली देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने किस ब्लॉग के साथ मेरे वीडियो जो है वो रेगुलरली देखना चालू किया। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, तो ज़रूर बताना कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरी रूम का हालत देखिए, अभी काय बावळट तू तुझं काम कर, तिला काय करायचं ते कर, क्या हाल किया है देखिए मेरा। तो हाल केला नको तो कर, हेलो 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 हे टाकू नको टाकू नको। हॉरिबल हॉरिबल लोकांकडे सब सांगितलं आमच्या घरात काय चाललंय ते, जी सवयच आहे। आप लोगों ने देखा, मैंने धोया ये रूम पूरा
और आज देखिए फिर अगर तुला टाकायचंय का हे देखिए झगड़ा 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 कंटिन्यू झगड़ा मैं फ्रेड अप हो गई हूँ वे मैंने आपको बोला भी था कि मैं परेशान हो गई बहुत ही ज्यादा पूरी हालत अगर वेड़े है हवे का नहीं बोल पटकन सी दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग डॉटर टॉकिंग विथ मदर बोलते माझ्या आजीशी काय आहे ते सांग मला खोके आहेत खोक्यांमध्ये परत